दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ हैं। आदेश जी, मनोज तिवारी जी को एक प्रकार से छुट्टी हुई है, आपको नया अध्यक्ष पद मिला है, किस तरह से दिखते हैं? पहले तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूँ कि मैं निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के भावनाओं की सम्मान करते हुए पार्टी को विस्तार करूँगा और मजबूत करने का पूरा हमारा प्रयास होगा। लेकिन आपकी चुनौती रहेगी, अरविंद केजरीवाल लगातार दूसरी बार मजबूती से आए हैं, कैसे देखेंगे, कैसे आप इस तरह की चुनौती देखेंगे? हाँ, ये तो बात है कि दिल्ली में पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को हम स्वीकार भी करते हैं। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, वो चुनाव से पहले थी कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और, ये सब लोगों को पता लग गया है, उस वो किसी से छुपा नहीं है। और राजनीति में जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और अपने वादों के खिलाफ चली जाती है तो जनता में उसके लिए बहुत आक्रोश है, रोष भी है। और हम ज़मीनी स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करेंगे, पार्टी को नए आयामों से जोड़ेंगे, नई सर्वस्पर्शी बनाएंगे, ज़्यादा जगह पार्टी का विस्तार हो, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। आप मेयर भी रह चुके हैं, आप संगठन का भी काम करते रहे, लेकिन दिल्ली बीजेपी के साथ एक बड़ी दिक्कत ये रही है कि यहाँ कई गुट रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, और यही वजह है कि कभी एकजुट नहीं हो पाते, किस तरह से एकजुट करेंगे आप? मेरा तो मानना है कि हमारा तो कोई गुट नहीं है, और हमारा गुट है भारतीय जनता पार्टी, और सभी भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही हैं, बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, कार्यकर्ता हों, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जिस समय इस तरफ आरोप लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना से जो जंग हो रही है उसमें वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे, कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे आप? पहले करीब 2 महीने जब कोरोना महामारी का जो वक्त बीता है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके संबंधित संगठनों ने, सब ने पूरी दिल्ली के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भोजन वितरित किया, खाना बांटा, किसी भी कार्यकर्ता ऐसा छूता नहीं था जिसने ये काम, सेवा काम ना किया हो। सरकारी तंत्र क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा अपने आप से लग के, लेकिन हाँ, अब आज करीब 2-2.5 महीने के बाद ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार असंवेदनशील व्यवहार कर रही है, चाहे वो कोरोना के पेशेंट हो, अस्पतालों में लोगों का इलाज हो, वो भी लापरवाही हो रही है, और प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दिल्ली सरकार बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए, और इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, अभी सांकेतिक हम लोगों ने काम किया था और आगे भी करेंगे। आप मेयर रह चुके हैं, दिल्ली में नगर निगम की हालत इस समय ख़राब है, केजरीवाल सरकार से टकराव है, कैसे सुलझाएंगे, वक्त लेंगे सीएम से मिलने का, क्या करेंगे? नहीं, नगर निगम एक मुद्दा है, नगर निगम ये तो सबसे किसी से छुपा नहीं कि नगर निगम को वो भारतीय जनता पार्टी शासित होने के कारण भेदभाव करते हैं, और वो नगर निगम क्या, वो हर उस चीज़ से भेदभाव करते हैं जो उनके समर्थन में नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और सद्बुद्धि उनको आएगी, और हम तो अपना काम करेंगे ही। आखिरी सवाल है, मनोज तिवारी जी से बातचीत हुई है, क्या कहा आपने उनसे? अभी बातचीत नहीं हुई है। नहीं।